है वह जगह इतने एहतजाज होया और दुनिया के तक फैल गई है कि ननकाना साहब के गेट के उ हमला होया बिल्कुल होया क्योंकि वह फर्द वाहक से जिन्हें कुछ बच्चों नू जमा किया और उन्होंने इतने आके एहतजाज किया तो पूरा अज इस्लाम जेडे पाकिस्तान के मुशायख कौंसलों का नचोड़ सारा इतने मौजूद है। हजरत मियां मीर साहब के गद्दी नशीन इतने मौजूद ने जिन्हें दरबार साहब का नींह पत्थर रखा और उन्होंने इतने अज डिकलेयर कर दिता कि इस्लाम दे विच वह बंदा है ही नहीं जिहड़ा किसी दूसरे के मजहबी इबादत गाह दे उत्ते उनकी बेहुरमती करे। तो ए सारे लोग फुल लैके आए ने उस जगह के उत्ते जिथे कल एहतजाज होया और सारे साडे उलमाए किराम इस गेट के उत्ते फुल पाणगे और गुरु नानक साहब नू अपने शरदा दे फुल पेट करनगे और उनके नाल ही साडे नाल सिद्धू साहब भी आए ने। सिद्धू साहब भी अपना पैगाम देंगे और उलमाए किराम जेडे ने उस गेट के उत्ते फुल पाणगे। मैं पैगाम देना चाहना जी कि जिहड़ा किसी एक बंदे ने कोई हरकत इहो जी माड़ी कीती है वह असीं उहनू किसी सूरत भी पसंद नहीं करदे ना वह सोच साडी सोच है। साड़ी सोच है उलमाए किराम भी खड़े ने सारे मुसलमान भरा भी खड़े ने सारे सिख भरा भी खड़े ने साड़ी सोच यह है कि असीं हत्थां विच फुल चुक के ऐसा फुलां की तरह असीं सरदारां नू अपने नाल लैके चल रहे हैं मोहब्बत और दोस्ती के नाल मुस्लिम दोस्ती जिंदाबाद। यह दरवाजा है जिथे बाबा गुरु नानक साहब ने लोगों नू कहा कि इत्थों दी आओ ते रब की इबादत करो ये अंदर रब की इबादत गुरु नानक साहब ने दरवाजा लोगों नू दस्या कोई भी हो पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अल्लाह।